कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी है जो एक हफ्ता का भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो पिछले दो ढाई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, मतलब 5-6 दिन फॉलो करते हैं फिर डर जाते हैं फिर तोड़ देते हैं, फिर 5-6 दिन फॉलो करते हैं फिर डर जाते हैं फिर तोड़ देते हैं, मतलब 2.5 साल से जुड़े हुए मेरे से, लेकिन भाई साला 2.5 दिन भी आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, बताओ ये स्टेमिना का चीज़ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान, मतलब कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो उस दौरान हो सकता है आपका पार्टनर आपके लिए एक जाल बिछा रहा है, ठीक है, या जाल बिछाए तो आप उस जाल में मत फंसना, ठीक है। अब साला क्या जाल है, मतलब कैसा जाल है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एकदम लाइक मारिए, कुछ मत सोचो भाई, एकदम लाइक मारिए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन है उसको बजाइए, मतलब घंटा बजाइए, ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, बहुत से सब्सक्राइबर को मैंने देखा है, मतलब अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर को देखा है कि जोश में तो आके नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल सच में बहुत अच्छा रूल है, ठीक है, शुरू में जोश आ जाते हैं, एकदम फाड़ दूंगा, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा, एकदम अपने पार्टनर के सामने तो मैं एकदम वैल्यू मेंटेन करके रखूंगा, वो क्या समझता है मुझे इग्नोर करा, एकदम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा, अपने पार्टनर को एकदम खून के आंसू रुलाऊंगा, ये जो आप लोग कसम खाते हो चलो अच्छी बात है, एकदम मतलब क्या बोलूं, इतना जोश देख कर साला मैं भी खुश हो जाता हूं कुछ लोग का, ठीक है, कि यार क्या सब्सक्राइबर है, ठीक है। लेकिन जो सिनेमा ताने थे ना, एकदम फाड़ के रख दूंगा, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा, ठीक है, लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन मैं आप लोगों की फट जाती है, ठीक है, मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल जो कसम खाए थे भाई खुद का ही कसम तोड़ दी है, क्योंकि आप लोगों की हालत खराब हो गई। आप बहुत लोग, आप लोग में से मतलब एक तो कुछ लोग होते हैं अपना ही डर से, मतलब एक खुद ही सोचने लगते हैं कि अरे यार पार्टनर और दूर चला जाएगा, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, मतलब फॉलो करने का जब सोचे थे उस समय नहीं सोचे, उस समय जोश में थे, लेकिन धीरे धीरे आप ही डरने लगे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग अपने पार्टनर का जाल में ही फंस जाते हैं, ठीक है, अब वो जाल क्या है वो मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, थोड़ा ड्रामा तो करने दो, अचानक जाल ही बता दूंगा तो भाई फिर वीडियो तो 1 मिनट की होगी, ठीक है भाई। जाल ये है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो आपका पार्टनर भी गौर करता है कि यार ये मेरा कभी चाटता था, मेरा साला एकदम पीछे पड़े रहता था, अचानक ये गैप कैसे मार रहा है, आप समझ रहे हो, मतलब अचानक ये मोटिवेट कैसे हो गया, मतलब तो खुद से कॉल मैसेज कर ही नहीं रहा है, आपका पार्टनर के दिमाग में ये चलेगा तो वो क्या करेगा ना, आपके कमजोरी पे वार करेगा, वो जाल बुनना स्टार्ट करेगा, आपके कमजोरी पे वार करेगा, क्योंकि देखो भाई कभी आप उसका चाटते थे, पिछवाड़ा उसका चाट चाट के लाल कर दिए थे, ठीक है, पूरा पैम्परिंग करते थे, तो आप उसके पार्टनर थे, इतना चाटे वो तो आपके नफ्स से वाकिफ होगा, अब एक एक नफ्स से वाकिफ है, आप सब वो तो आपको एकदम अंदर से वो जानता है, वो पढ़ चुका था आपको, ठीक है, तो वो आप जो गैप मारते हो तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको भी आपको चाटने का आदत था, फिर तो उसको भी चटवाने का आदत था, आप समझ रहे हो, तो ये आपका पार्टनर टॉलरेट नहीं कर सकता है कि आप गैप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके कमजोरी पे वार करेगा, ठीक है, ताकि आप डिस्टर्ब हो, यही वो जाल है। अब जाल भी अलग अलग चीज का हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कमजोरी थी कि मेरा पार्टनर किसी और लड़की के साथ या किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, तो आपका पार्टनर इन्वॉल्व होने लगेगा ताकि आपका नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाए, ठीक है। अब आपको कहीं सोशल मीडिया में देख लिए, फेक आईडी बना के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो डायरेक्टली स्टेटस तो उसका देख नहीं सकते हो, तो फेक आईडी बना के उसका इंस्टाग्राम में स्टोरी देख लिए, अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, आपकी कमजोरी पे वार किया, यहाँ पे आप कमजोर पड़ गई, बस उसको कॉल कर रहे हो, हेलो हेलो तुम किसके साथ घूम रहे हो गया नो कॉन्टैक्ट रूल, सारा कसम भाई बाहर में चला गया आपका, समझ रहे हो भाई, भाई वो लड़की के साथ बस सेल्फी दी है, थोड़े ओए में चला गया, आप चीज को समझो, वो आपको डाउन करने के लिए सेल्फी लिया, बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत लड़के ही फंस जाते हैं, किसी कोई लड़की दूसरे लड़के के साथ सेल्फी लेके डाल दी, ठीक है, या फिर कहीं घूमने चली गई बिना बताए, तो भाई आपका नो कॉन्टैक्ट रूल एकदम टूट गया, एकदम मतलब घबरा गए, नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ दिए, एकदम डेस्परेट हो गए, कॉल कर दिए, यही वो जाल में फंस गए,
आप समझ रहे, बहुत लोग पता है बहुत लोग क्या है, मेरे को कुछ दिनों में पता चला कि बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ढाई साल से, जब मेरा जो चैनल है ढाई साल से वीडियो मेरा देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी है जो एक हफ्ता का भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो पिछले दो ढाई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। मतलब 5-6 दिन फॉलो करते हैं फिर डर जाते हैं फिर तोड़ देते हैं, फिर 5-6 दिन फॉलो करते हैं फिर डर जाते हैं फिर तोड़ देते हैं। मतलब ढाई साल से जुड़े हुए मेरे से, लेकिन भाई साला ढाई दिन भी आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, बताओ, ये स्टेमिना का चीज़ है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल से भाई कितना लोग का पार्टनर आ चुका है भाई। अब अलग बात है, नो कॉन्टैक्ट रूल के अलावा भी बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारे टिप्स फॉलो करने होते हैं, वही मैं कॉल बुक के थ्रू बताता हूँ लोगों को जो भी पर्सनली मेरे से वो करते हैं, क्योंकि 1 घंटा चाहिए भाई अच्छे से बात करने के लिए, तभी कॉल बुक वाला सिस्टम है। यहाँ मेरे को मैसेज कर, सर 2 मिनट में बता दीजिए, 2 मिनट में कैसे कोई टिप्स बताएगा भाई, 2 मिनट में बताऊंगा तो और मिसगाइड हो जाओगे आप लोग, और मिसगाइड हो जाओगे, समझ रहे हो। तो भाई आप अपने जाल में मत फंसिए। आपका कमजोरी, चलो ये भी हो सकता है आपके घर परिवार से आपको प्यार नहीं मिला कभी, नहीं, आप इमोशनली बहुत ही अकेलापन महसूस हो जाते हो, ठीक है, तो आपका पार्टनर भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लगेगा। आप समझ रहे हो, मतलब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर ही रहे हो, आपका पार्टनर भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लगेगा, और आपके नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से भी ज्यादा वो हाई लेवल का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेगा। मतलब एकदम बहुत ज्यादा दिखा रहा है मैं हैप्पी लाइफ हूँ, क्योंकि वो आपको इमोशनली, वो उसको पता है कि आप इमोशनली बहुत वीक हो, वो फ्रेंड लोग के साथ घूमेगा, सेल्फी वेल्फी लेगा, दिखाएगा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो, एक और कमजोरी आपकी ये हो सकती है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से, मान लो आप वाइफ हो तो अपने हस्बैंड से, ठीक है, या गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड से, या बॉयफ्रेंड हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो, आप अपने पार्टनर पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, आप पैसे वैसे लेते रहते थे, ठीक है, आपको जरूरत होती है उससे पैसे लेने की, तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका वो आपका जाल ये है, मतलब वो पार्टनर, मतलब आप पैसे उससे डिपेंडेंट हो उससे, ठीक है, तो पैसा देना बंद कर देगा, तो ये डर रहता है आप में कि यार मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो तो कर रही हूँ, 2 दिन से गैप मारी, लेकिन 10 दिन के बाद मेरा पैसा खत्म होने वाला है, मेरा पार्टनर मेरे को पैसा देगा कि नहीं, मेरे को भी उससे पैसे मांगने हैं, यार मैं क्या करूँ, अब बताओ। अब बोलोगे सर मैं क्या करूँ, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा जाओ पैसा कमाओ मेहनत करो, अब भाई है ना, कमजोरी बता रहा हूँ, आपकी कमजोरी पैसे थी, ठीक है, पैसा था, आप अपने पार्टनर से पैसे से जुड़े हुए थे, मतलब पैसे पे डिपेंडेंट थे, खासकर मान लो जो शादीशुदा है वाइफ डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे, मान लो, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ में कुछ लोग डिवोर्स का सिचुएशन होगा, ठीक है, तो आप लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तो भाई हर महीने पति आपके अकाउंट में एक तारीख को पैसे भेजता था, अब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो डर रहता है साला पति 1 तारीख को डालेगा कि नहीं, आप समझ रहे हो। तो ये सब कमजोरी का जाल बुनते रहता है आपका पार्टनर, इसमें नहीं फंसना है, कुछ ना कुछ कीजिए, उतना बताऊंगा ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि एक एक कमजोरी पे कैसे काम कीजिए, भाई कुछ भी कीजिए, बस नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान आप अपने पार्टनर के जाल में मत फंसिए, समझ रहे हो भाई, क्या मैं बोलूं यार, मतलब एक से कमजोरी होता है यार, मतलब लोगों में, और पता है नो कॉन्टैक्ट के दौरान आपका पार्टनर उसी कमजोरी पे वार करता है, ठीक है, और आपको ढंग से मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने मतलब करने दे नहीं रहे, ठीक है, तो इस जाल में मत फंसिए। आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, ठीक है, आपका पार्टनर जाल बुनना स्टार्ट करेगा, बुनने दो उसको, उस चुतिया को बुनने दो, बस आप मत फंसना, समझ रहे हो। तो भाई ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, एकदम लाइक मारो भाई, एकदम लाइक मारिए, जो भी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तो मेरे से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, देखो भाई पैसे तो लगेंगे, ठीक है, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है, पे कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, 1 घंटा में बात करता हूँ, रिलेशनशिप का पोस्टमार्टम कर देता हूँ, आप समझ रहे हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।